ओके जी, कोलंबो से लाइव हूँ मैं और बिग न्यूज़ उस वक्त ये है कि रिजर्व डे है। जब मैं 2 घंटे पहले आया था लाइव, आप लोगों ने सवाल पूछा था, तब तक कोई सर्टेनिटी नहीं थी। मैंने आपको बताया था, मैंने इंडियन टीम के खिलाड़ियों से भी कईयों से बात की थी, मैनेजमेंट से बात की थी, उन्हें भी कोई एग्जैक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई थी रिजर्व डे होगा नहीं होगा। बहरहाल अब कॉन्फर्मेशन आ गई है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में रिजर्व डे होगा। उसकी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, 10 तारीख को मैच है और अगर बारिश आती है तो 11 तारीख का जो दिन है वो भी रिजर्व डे के लिए रखा गया है। टेक्निकलिटी ये है क्योंकि अलग अलग टूर्नामेंट में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे मुझे याद आता है 2003 वर्ल्ड कप जो था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, उसमें भी रिजर्व डे था, लेकिन उसमें रूल ये था कि रिजर्व डे में मैच दोबारा से शुरू होगा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग कर ली है, बारिश आ गई थी, तो अगर अगले दिन मैच जाएगा तो फिर स्क्रैच से शुरू होगा, जीरो से। वो ऑस्ट्रेलिया के रन नहीं गिने जाएंगे, वापस से टॉस होगा, वापस से मैच शुरू होगा। 2019 में लेकिन हमने देखा रिजर्व डे था, इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल याद आता है, वहाँ पे क्या था, मैच जहाँ पे रुका था वहीं से मैच की दोबारा शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पर भी वही रूल है, मैच जहाँ पे रुक जाएगा अगर बारिश आती है और आगे मैच नहीं हो पाता संडे को 10 तारीख को, तो 11 तारीख को वहीं से शुरू होगा। तो फर्स्ट कीजिए, जैसे पलेकले में मैच हुआ, इंडिया ने बैटिंग करी, 266 बनाया, उसके बाद बारिश आ गई और मैच नहीं हो पाया, वही स्थिति अगर कोलंबो में होगी तो 266 इंडिया का टारगेट 267 होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आएगा और फिर 267 को चेस करेगा। तो जहां पे मैच रुकेगा वहीं से मैच शुरू होगा। तो ये डिटेल्स हैं, रिजर्व डे रखा गया है। लेकिन दिलचस्प बात यहां पर ये है कि ऐसा शायद कभी नहीं हुआ कि रिजर्व डे, कई टूर्नामेंट्स में होते हैं, कई में नहीं होते, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कई मैचेस के लिए रिजर्व डे होगा टूर्नामेंट की एक स्टेज में और कई टीमों के लिए नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, जो कल मैच होगा श्रीलंका बांग्लादेश, उसके लिए रिजर्व डे नहीं है, बाकी भी जो मैचेस आएंगे उनके लिए रिजर्व डे नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे है। भाई हम सबको बताए, खास मैच है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी तरह की एक्सेप्शन इससे पहले तो देखी नहीं है। इसके पीछे टेक्निकल रीज़न भी है। देखिए, श्रीलंका बांग्लादेश का है 9 तारीख को, 10 तारीख को तो फिर दूसरा मैच है उसी ग्राउंड में, तो रिजर्व डे हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का 10 को है और 11 को कोई मैच नहीं है, तो मुमकिन है आप एक रिजर्व डे कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निकलिटी है, शायद इसी पे गौर किया होगा ऑर्गेनाइजर ने और डिसाइड किया है। तो फैंस भी क्योंकि ढेर सारे आएंगे, तो फैंस को भी ये बोला गया है, आप जो टिकट्स लेके आएंगे वो वैलिड रहेंगी दोनों दिन के लिए। आधा मैच अगर रह गया और दूसरा अगर मैच शुरू होगा तो फिर वो चीज़ वैलिड है और आप अगले दिन भी वही टिकट्स के साथ मैच देख सकते हैं। तो हो सकता है जब हम आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्योंकि बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं संडे के दिन भी, तो हो सकता है मैच का कुछ हिस्सा ना हो पाए, तो अगले दिन शुरू होगा, ओवर्स रिड्यूस तो नहीं होंगे फिर संडे को, मंडे को ही देखा जाएगा क्या होता है। और अगर 2 दिन चलेगा तो शायद आपको पूरे 100 ओवर देखने को मिले, 100 नहीं तो कम से कम शॉर्टन मैच तो देखने को मिलेगा ही। और ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि आपको पता है किस तरह की यू नो आवाज़ें बनाई जा रही थी, ट्रेंड बनाए जा रहे थे, है ना, इंडिया स्केयर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो उस लिहाज से अच्छा है, मैच हो, मैं तो कहता हूँ बारिश है, दो भी है, पता चलेगा कि कौन किससे स्केयर्ड है क्या नहीं है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी बात है, फैंस के लिए अच्छी बात है, मैच तो देखने को मिलेगा, उम्मीद करते हैं 100 ओवर, 100 नहीं तो कम से कम शॉर्टन मैच तो आपको यहाँ देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि बारिश के अनुमान तो हैं संडे को भी। लेकिन फिलहाल वेदर वही है, अच्छी बनी हुई है। मैंने आपसे 11:30 बजे लाइव किया था, है ना, अब करीब 1:30 बजने वाला है, 3 घंटे हो गए हैं और 3 घंटे में भी बारिश नहीं आई है, अभी भी धूप खिली हुई है, अभी भी नीला आसमान है, ब्राइट ब्लू स्काई नज़र आ रहा है, विच इज़ गुड न्यूज़। एक अपडेट और हो गई है, इंडियन टीम की प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था 6 बजे थी पहले, अब वो चेंज हो गई है, 8 बजे कर दी गई है। वो इसलिए हुई होगी बिकॉज आपको पता है मैंने बताया था श्रीलंका और बांग्लादेश भी 6 बजे प्रैक्टिस करने आ रही थी, तो अगर प्रैक्टिस करने आ रही थी 3 टीमें शायद एक साथ ये जो आपका प्रेमदासा मैदान है वहाँ नहीं कर सकती, इसलिए शायद इंडियन टीम प्रैक्टिस को पुश कर दिया गया है। तो पहले तो वही टीम प्रैक्टिस करेंगी जिनका कल मैच है श्रीलंका बांग्लादेश 6 से 8, वो जब चली जाएंगी तो 8 बजे इंडियन टीम वहाँ प्रैक्टिस करेगी। वो सारी अपडेट्स मैं आपके लिए स्पोर्ट्स तक पर लेके आऊँगा। और अगर बाय चांस